वेलकम टू शारदाज वर्ल्ड, शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। और ये ब्लॉग है होली वाले दिन का। मैं बनाने लगी हूँ पकौड़े। कल जो मैंने दही बड़ा बनाया था उसी का बैटर थोड़ा सा मैंने बचा लिया था और उसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर, धनिया का पत्ता, साबुत जीरा, नमक, काली मिर्च ऐड करके मैं पकौड़े फ्राई करने लगी हूँ। ये पकौड़ा मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, तो सुबह सुबह सास्वती संभवी यही ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। हैप्पी होली एवरीवन, हैप्पी होली। और सास्वती खा रही है पकौड़े, पकौड़े खा के फटाफट से जाएगी ये नीचे कलर खेलने के लिए। इस बार पिचकारी नहीं लिया सास्वती, बोलती है अब मैं बड़ी हो गई हूँ। दो साल तीन साल के बाद जा रही है, इस बार बहुत दिन के बाद ऐसा हाँ थोड़ा सा माहौल अच्छा है, जो बच्चे खेल पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, तो थोड़ा इस बार अच्छा लग रहा है। नहीं चलू, सास्वती खा रही है पकौड़े। सास्वती का बहुत फेवरेट है ये वाला। यहाँ पर मैंने एक केला मैश करके ले लिया है। इसमें जाएगा 3 कटोरा मैदा और 1 कटोरा सूजी। पिछले हफ्ते मैंने आप सबसे मालपुआ की रेसिपी शेयर की थी, बस वही रेसिपी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें सूजी भी ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा सौंफ का फ्लेवर दूंगी मैं। और बिहार में होली में मालपुआ मस्ट 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 है। मालपुआ हर घर में बनता है। मालपुआ के साथ मटन खाया जाता है और जो लोग मटन नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आलू कटहल की सब्जी बनती है। तो यहाँ पर मैंने 3 कटोरा मैदा, 1 कटोरा सूजी, थोड़ा सा ड्राई नारियल गरी को छोटे छोटे पीसेज मैंने कट कर लिए थे, तो थोड़ा सा गरी गया है इसमें, 1.5 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और 1 कटोरा चीनी। इन सभी चीज़ों को मिक्स करके दूध के साथ एक बैटर तैयार कर लेना है, जिसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब इसको ढक के 1 घंटा कम से कम रेस्ट पे रखेंगे और 1 घंटा रेस्ट पे रखने के बाद ये देखिए मालपुआ को फ्राई कर लेंगे। मायके में मेरी मम्मी चाशनी वाला मालपुआ बनाती है, जो हम सबका सबसे फेवरेट है। मैं मोस्टली नहीं बनाती हूँ, आप सबसे वो रेसिपी जरूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स। जब कभी मैं बिहार जाऊँगी तो मम्मी के हाथ की वो मालपुआ की रेसिपी जरूर शेयर करूँगी। तो सारे मालपुआ मैंने बना लिए हैं, भगवान जी को चढ़ाएंगे, फिर हम लोग खाएंगे। और फ्रेंड्स, दिनेश जी तैयार हो चुके हैं अपने पूजा लुक में। ये देखिए नीचे, इसको हम लोग पीताम्बरी बोलते हैं और इसके साथ कोई कपड़ा नहीं पहना जाता है, पीताम्बरी ही ओढ़ा जाता है। लेकिन मैंने गंजी पहना हाँ, लेकिन गंजी नहीं, टी शर्ट पहना हुआ है। और हाथ में है मालपुआ। भगवान जी को आज मालपुआ चलेगा। आप सबको होली की शुभकामना। हाँ, और जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक होली तो बीत चुकी हुई होगी, लेकिन आप सब समझ लेना हम सब ने विश किया था। नहीं जी फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए संभवी को मालपुआ बन चुका है हमारा। और क्या बन चुका है? मालपुआ बन चुका है, दही बड़ा बन चुका है, पकौड़े सब भी सस्ती ने खा लिए, दिनेश जी ने नहीं खाया, पूजा करके खाएंगे। और अब चलिए तैयारी चल रही है मटन की। मटन की तैयारी चल रही है और चिकन बिरयानी भी बनेगा, उसकी तैयारी भी चल रही है। तो आज सामग्री पकड़ में आ गई है, सस्ती चली गई है कलर खेलने के लिए। तो सामिल करिए सारी कटिंग, मुझे ये देखिए कटिंग हो रही है सारी। और उधर इग्नोर करना फ्रेंड्स, सारा सामान अभी खाली किया है सामग्री, सबको अपने जगह पे रखेगी। तो एक मास्क भी है वहाँ पर रखा हुआ, वो झोला में था नया मास्क, दिनेश जी खरीद के लाए थे। तो इग्नोर करना, अभी ठीक करने वाली है सांभी। पहले बैठ के आराम से सारे सब्जी की कटिंग कर रही है, ये देखिए फैला के आराम से। एक्सपर्ट तो नहीं हो ना अम्मा, मुझे ऐसे करना पड़ता है। तो बस सांभी हेल्प करवा रही है, सांभी सब्जी कटिंग कर रही है, इधर फटाफट से कुकिंग कर रही है। और आलती पालती मार के फ्रेंड्स, ये देखिए पूरे देखिए सामने का आराम से आलती पालती मार के कटिंग हो रही है, ये देखिए। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। यहाँ पर तकरीबन 750 ग्राम मैंने मटन ले लिए हैं और इसमें 5 बड़े साइज के प्याज ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने मोटे मोटे ही स्लाइस कट कर लिए थे प्याज के। और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा। यहाँ पर हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 से 3 तेजपत्ता ऐड कर दिए हैं और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट जाएगा। नमक ऐड करने के बाद फिर इसमें 3 टेबल स्पून दही जाएगा और 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। सरसों के तेल ऐड करने के बाद अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे।
यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग, 2 छोटा स्टिक दालचीनी का, 2 छोटा सा जावित्री ले लिया है। इन सभी चीजों का पेस्ट बनाना है। कुकर में मैंने सरसों का तेल ले लिया है और उसमें जीरा 1 टीस्पून, 2 सूखी लाल मिर्च और 2 तेजपत्ता का तड़का ऐड कर दिया। फिर मैंने जो मटन को मैरिनेट किया था मटन को ऐड कर देना है और मटन को ऐड करने के बाद 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से मैंने भून लिया था और फिर इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू को 2 पार्ट्स में कट करके मैंने नमक हल्दी के साथ फ्राई कर लिए थे। आलू ऐड करने के बाद एक चीज और जाएगा, 2 टीस्पून इसमें मीट मसाला ऐड करेंगे। और आलू और मीट मसाला ऐड करने के बाद अगेन इसको 2 से 3 मिनट तक भूनना है। 4 से 5 मैंने ग्रीन चिली भी ऐड किए थे जो कि ऑप्शनल है। तो अगेन 2 से 3 मिनट तक भून लेने के बाद फिर इसमें ग्रेवी जाएगा और ग्रेवी ऐड करने के बाद फिर कुकर का लिड बंद करके 3 से 4 व्हिसिल आने तक इसको पका लेना है, या तब तक पकाना है जब तक मटन पूरी तरह से पक नहीं जाता। और मटन जब पक जाएगा फिर मैंने जो गरम मसाला का पेस्ट बनाया था उसको ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। फिर एक तड़का जाएगा, तड़के के लिए 1 टेबल स्पून घी लेना है, जीरा और तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च का तड़का ऐड करेंगे, थोड़ा सा हींग जरूर ऐड करना। और तड़का जब क्रैकल हो जाएगा इसको मटन में ऐड कर देना है। तो बिहारी स्टाइल मटन करी बिल्कुल डन है। लास्ट में खूब सारा कोरिएंडर लीव्स जरूर ऐड करना। आज जो मैंने मालपुआ बनाया है उसके साथ इस मटन करी का बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स, तो ट्राई जरूर करना। ये देखिए, ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट या ब्रंच दोनों समझ लें, मटन करी, मालपुआ। और एक मालपुआ मैंने और बनाया था आटा, गुड़ और सौंफ के साथ, जिसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है, बहुत जल्द आप सबसे शेयर करूंगी। हमारे यहाँ गुड़ वाला मालपुआ भी बनता है और पूरी है, दही बड़ा है। तो यही हमारा आज का ब्रंच है। और नीचे काफ़ी होली की हुड़दंग चल रही है फ्रेंड्स। ये सारे फ्रेंड्स मुझे बार बार फोन कर रहे हैं नीचे आने के लिए, लेकिन आज मैं नहीं जाने वाली। देखिए, होली का हमारे यहाँ का परफेक्ट थाली है, ठीक है ना। इसमें कुछ चीज जो पहले के अपेक्षा अब कटा है वो है मिठाई का आइटम। पहले क्या होता था, जितना ये लोग देख रहे हैं, इसके अलावा एक एडिशनल मिठाई भरा हुआ होता था। हाँ। जो अब कट गया, पुआ और मटन एक साथ बेस्ट। हाँ, कॉम्बो बेस्ट कॉम्बो बना। आप लोग भी खा के देखना फ्रेंड्स, मालपुआ और मटन का जो कॉम्बिनेशन है नहीं जी। हाँ, जो कोई भी हमारे स्टेट से बिलोंग करते होंगे उनको तो ये खाने का आदत ही होगा। हाँ। क्योंकि वहाँ का एक ये रेगुलर फीचर है, हर दीपावली में, होली में, होली में, हर होली में जहाँ से लोग ये खाते ही है, पुआ और मटन। यहाँ पर मैंने खूब सारा पानी ले लिया है और इसमें नमक भी थोड़ा ज्यादा ही ऐड करूंगी। मैं बिरयानी के लिए राइस तैयार कर रही हूँ, तो राइस के हिसाब से नमक नहीं जाएगा, पानी के हिसाब से नमक जाएगा। और कुछ होल स्पाइसेस जाएंगे, ये देखिए, 4 से 5 हरी इलायची, लौंग, थोड़ा सा 1 स्टिक दालचीनी, थोड़ा सा जावित्री, ये सारे होल स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। धनिया पुदीना जाएगा, तो थोड़ा सा धनिया पुदीना ऐड कर दिया है। और फिर इसमें राइस को ऐड करके 70% तक राइस को हम पका लेंगे। और फ्रेंड्स, ये वक्त है शाम का, मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी। दिन में ब्रंच करने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो गया था तो नींद से आने लगा, थोड़ी देर के लिए हम लोग सो गए थे। और अभी मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी, बिरयानी बनाएंगे और थोड़ा बहुत शाम को शगुन के लिए गुलाल से होली खेलेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में रिचुअल्स है, दिन में रंग से होली खेलते हैं और शाम को अबीर से, गुलाल से। यहाँ पर मैंने 1 केजी चिकन में खूब सारा धनिया और पुदीना ऐड कर दिया है और 4 से 5 हरी इलायची, 1 छोटा स्टिक दालचीनी, 1 जावित्री, 4 से 5 लौंग, 1/2 नटमेग का पाउडर बना के ऐड कर दिए हैं। तकरीबन छोटे कटोरे से 1 कटोरा मैंने अंजीर लिया है, अंजीर के छोटे छोटे पीसेज कट करके अंजीर ऐड करना है। और खूब सारे, कम से कम 7 से 8 हरी मिर्च का पेस्ट मैंने ऐड कर दिए हैं। और फिर जाएगा बरिस्ता, 3 बड़े साइज के प्याज का मैंने बरिस्ता बनाया था। और आज मैं व्हाइट चिकन बिरयानी की रेसिपी आप सबसे शेयर कर रही हूँ, तो इसका जो बरिस्ता बनेगा वो बहुत ब्राउन नहीं बनेगा, हल्का सा व्हाइट ही रहेगा। तो थोड़ा सा मैंने बचा लिया था असेंबल के लिए, असेंबलिंग के लिए, और बाकी का बरिस्ता मैंने ऐड कर दिया है। बरिस्ता ऐड करने के बाद फिर इसमें दही मैंने 1/2 कटोरा ऐड कर दिए। थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किए थे, जिस ऑयल में मैंने बरिस्ता बनाया था वो ऑयल ऐड कर दिया था। 2 टेबल स्पून घी और 1/2 कटोरा मैंने इसमें ऐड किए थे मिल्क पाउडर।
आप चाहें तो मावा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 नींबू का जूस, इन सभी चीज़ों को ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मेरीनेट करके कम से कम 1 घंटे के लिए इसको ढक के साइड में रख देंगे। तो मेरीनेशन को आधे घंटे तक मैंने रख लिया था और फिर जिस बर्तन में, जिस पॉट में हम बिरयानी बनाएंगे उसमें मैंने चिकन ले लिया है, उसके ऊपर 70% तक मैंने जो चावल पकाया था उसमें से होल स्पाइसेस को निकाल दिया था। चावल को एडजस्ट कर देंगे। सारे चावल को एडजस्ट कर देने के बाद इसके ऊपर फिर मैंने जो बरिस्ता थोड़ा सा बचा के रखा था उसको एडजस्ट करेंगे। बरिस्ता को एडजस्ट करने के बाद इस पे थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून घी को एडजस्ट कर देंगे। फिर जाएगा केसर वाला दूध। तो यहाँ पर मैंने 1/2 ग्लास दूध में केसर को घोल दिया था। दूध थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि कच्चा चिकन है, चिकन को पकाना है तो पैन से चिकन लगे नहीं, इसलिए केसर वाला दूध मैंने ऐड कर दिया। 1 नींबू का जूस, और नींबू का जूस ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से सील कर देना है। तो ये देखिए, ढक्कन को अच्छी तरह से सील करने के बाद यहाँ पर जो होल था उसको मैंने आटा से सील कर दिया है और तवा पे इसको हाई फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। फिर स्लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक बिरयानी को मैंने पका लिया था और ये देखिए बिरयानी बिल्कुल डन है। इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना फ्रेंड्स, बहुत ही मज़े का बनता है। आपका चेहरा इतना साफ क्यों है? आपका चेहरा इतना साफ है? आपका चेहरा क्यों साफ है? फेशियल वैसे मसाज देते हैं मम्मी। और फ्रेंड्स, हम लोग तो भूत बने पड़े हुए हैं। और जो लोग बड़े हैं सबको मैं प्रणाम कर रही हूँ। हमारे यहाँ ना बड़ों को पैर पे अभी रख के प्रणाम किया जाता है, तो जो बड़े हैं सबको प्रणाम कर रही हूँ और छोटों को ढेर सारा हमारे तरफ से प्यार। और क्या, हैप्पी होली, हैप्पी होली।